बताइए सोबा कैसे बनता है। क्या बोला तूने? तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम राहुल लेगी। और आज जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा कि मेरी बहन मुझे कुछ सिखा रही है। क्या सिखा रही है? दाल बनाना सिखा रही है। तो आज हम दाल बनाना सीखेंगे। मैंने काफी टाइम से मतलब थोड़ी बहुत चीज तो आती है मुझे बनाना, लेकिन जो प्रॉपर बेसिक नीड है सब लोग का, दाल चावल, वो बनाना नहीं आता। तो वो आज मुझे शोभा सिखा रही है। चलो देखते हैं शोभा कैसे सिखाती है। आगे तक वीडियो देखते रहना लास्ट तक क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दाल अपन को भिगाना है, फिर मुंह पूरा उसको अच्छे से धोना है। उसके बाद टमाटर डालना है कटिंग करके, फिर उसके बाद हल्दी पाउडर, आपको ऐसे भी कर सकते हो, आप उबाल के पहले मसाला डाल के उबाल भी सकते हो, फिर तड़का देना है। नहीं तो आपको ऐसा भी कर सकते हो, पहले दाल उबाल के फिर साइड में निकल के वो साइड में तेल वेल करके कांदा डंदा डाल के वो भी कर सकते हो आप। तो मैं तो ये सिंपल तरीके से कर रही हूँ। तो देखो आप, ये हल्दी डाल दी हमने, ये धनिया पाउडर डाल दिया हमने। सबसे पहले आपने दाल डाला, उसके बाद टमाटर काट के डाला। हाँ। उसके बाद अपने मसाला डालेंगे बराबर। हाँ। और उसमें नमक भी डालना क्योंकि पानी बाहर आता है, इसलिए नमक डालना जरूरी है। ओके, तो जैसे कि आपने सुन लिया हो कि पहले हम दाल डालेंगे, फिर टमाटर डालेंगे और थोड़ा पानी डालेंगे ना उसमें, तो थोड़ा पानी रखेंगे और दाल और टमाटर, उसके बाद मसाला डालेंगे, उसके बाद नमक डालेंगे बोलते, क्योंकि वो ऊपर नहीं आता, पानी ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि वो ऊपर नहीं आता, सीटी लगती है, पानी ऊपर आ जाता है पूरा। ओके ठीक है, तो सीटी लगती है पानी ऊपर आता है, इसीलिए हम नमक डालेंगे कि ऊपर ना आए। ठीक है, आगे देखते हैं। सब फिर हम लोग ढक्कन लगाएंगे ऐसे कुकर में, कर देंगे, फिर हम गैस चालू करेंगे अपना, उसके बाद ये रखेंगे ऊपर और फास्ट कर देंगे, और दो तीन सीटी आने के बाद हम निकाल के छौका दे देंगे उसको, खत्म हो गए, दाल बन गई। फिर अभी जितना भी अभी शोभा ने बताया मुझे इतना समझा कि दाल बनाना बहुत आसान लग रहा है मुझे। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? हाँ, तो गाइस अभी आपने अगर नहीं सुना होगा तो आप इसे सुन लो, सुबह कुछ बोलने वाली। तो क्या करना है सुबह? पहले कड़छी लेने का, ले लिया कड़छी। हाँ, फिर तेल डालने का कड़छी में, कड़छी में तेल डाल के फिर थोड़ा सा उसको तेल को थोड़ा उबलने देने का, मतलब कैसे बॉल्स आते हैं ना उसमें साइड में, वैसे थोड़ा आने देने का। फिर उसके बाद लहसुन को जब तक कूटने का, और कड़ी पत्ता धो के रखने का, और जीरा रेडी रखने का। फिर उसके बाद जैसे थोड़ा गर्म होंगे तेल, फिर जीरा डालने का गैस का नाम, फिर कड़ी पत्ता डालने का, फिर लहसुन डालने का, तीनों डालने के बाद थोड़ा सा गैस फास्ट करके, फिर थोड़ा सा एकदम ब्राउनिश करने का, थोड़ा सा ब्राउनिश करके, फिर उसके बाद हो गया बंद कर देने का गैस, फिर कुकर का ढक्कन खोलने का, और सीधा जो आपने किया है, जो ब्राउन किया है वो सब कुछ चीज, फिर उसके अंदर डाल देने का, हो गया खत्म। बस उसके बाद ढक्कन बंद करके रख दो, और आपको दाल बनाना है तो आप पानी डाल सकते हो। मतलब इसमें हमको बनाना है, डालना है। हाँ, तो ये आपको क्या समझा, मैं आपको बताता हूँ, आपको बताता हूँ क्या समझा मुझे अभी। ठीक है, आप मुझे गलत हुआ तो मुझे बता देना, सो मुझे बता देगी। तो ये कड़छी लेना है, इसमें मुझे पहले तेल डालना है। ठीक है, थोड़ा तेल डाला है इसमें, फिर उसके बाद लहसुन डालना है, कड़ी पत्ता डालना है और जीरा डालना है, बराबर। उसके बाद थोड़ा सा गरम कर लेना है, थोड़ा सा गरम किया, उसके बाद गैस बंद कर लेना है, जो हमने अभी जो रखा है उससे जो पहले आपको स्टेप बताया उसको गरम कर लेना है। ये हो जाएगा, ये दो सीटी ना, तीन या चार सीटी ना। नॉर्मल तीन या चार सीटी लेने का, और थोड़ा कुछ रहेगा तो पाँच छह भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड है। जितनी दाल है उतनी सीटी हो जाएगी, जितनी मतलब दाल है, अगर क्वांटिटी ज्यादा रहेगी तो क्वांटिटी ज्यादा रहेगी तो पाँच छह सीटी ज्यादा लगती है थोड़ी, मतलब पाँच छह सीटी इतना पकने को टाइम लगता है। हाँ। तो अभी जैसे दाल हमारा कम है, हम लोग कम लोग हैं अभी, तो उसके हिसाब से हम कम बनाएंगे। तो हाँ, तो ये आपने कर दिया, तो इसमें आपको मैंने क्या बोला, तेल, लहसुन, कड़ी पत्ता और जीरा डाला, और गैस बंद किया, और फिर लगा दिया भाई तड़का। सीटी ऊपर करने का क्योंकि गैस जब तक निकलता नहीं वरना। और दाल बन चुकी है और खुलासा होने वाला है। ये देखो, ये हमारी दाल बन चुकी है, रेडी सेडी पो। उसको ऐसा कचल देने को, टमाटर थोड़ा सा। Wow.
थी इसके लिए। जीरा थोड़ा सा जल गया, आपको इतना जलाना है। और अभी जैसा आपने देख लिया होगा कि शोभा ने डाल दिया है तड़का, मार दिया दाल में, दाल हो गई मस्त एकदम मस्त एकदम ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई शोभा से, लेकिन ये आप गलती मत करना, इसलिए मैं वीडियो में बोल रहा हूँ। और शोभा भी ध्यान रखिए अगली बार से कि पहले गैस चालू हो गया, उसके बाद उसने वो करछी रखा, क्या बोलते करछी बोलते हैं उसको, करछी रखा, तेल डाला और उसके बाद लहसुन छीलने लग गई। तो ये सब गलती नहीं करना, आप पहले ही सब तैयार रखना, सामग्री सब तैयार रखना। कड़ी पत्ता डालना अपन ने, आपकी मर्जी, आपको डालना आपकी मर्जी, वो ऑप्शनल है, आपको रखना है तो रख सकते हो, नहीं रखना है तो अवॉइड कर सकते हो उसको, ठीक है। अवेलेबल नहीं है, हाँ अभी कड़ी पत्ता नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, हमने लहसुन डाल दिया और जीरा डाल दिया। तो यही पहले तैयार रखना, उसके बाद करना, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो इतना ही था, काफी दिनों से वीडियो नहीं आया, तो मैं बोला कि थोड़ा वीडियो बनाते और आपको दिखाते, और आज मेरे को मौका मिल गया, कुछ सिखाना था आपको, ठीक है। अब मुझे भी सीखना था और आप भी सीख गए होंगे शायद। सिंपल वीडियो है, सिंपल ज्यादा वीडियो कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो राहुल नेगी, आई एम राहुल नेगी के चैनल को। एक सिटी आ गई अभी, ठीक है, आगे जाके और भी सिटी आएगी, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। चलो भाई, स्माइल करो, खुश रहो।